शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत नाटक हुआ इस लड़की का। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे मुझे हमेशा के लिए इस आफत से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा तुम क्या कर रही थी अंदर के पूरा महल हिलने लगा है। ये भूकंप नहीं, उससे भी बड़ी घटना है। लगता है किसी ने तहखाने का दरवाजा खोलने की कोशिश की। अम्बी माता का शुक्र है कि तुम यहाँ आकर भी सुरक्षित हो। आप अम्बी माँ पर भरोसा करती हैं? हाँ, करते हैं भरोसा। जो आरंभ है और अंत भी, जो जीवन भी है और मृत्यु भी, जो शक्ति भी है और भक्ति भी, उस पर कोई कैसे विश्वास नहीं कर सकता। नहीं, वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इस महल में किसी को भी अम्बे माँ पर कोई भरोसा नहीं है। वे लोग तो पूजा पाठ भी नहीं करते, ना ही अम्बे माँ की मूर्ति रखते हैं इस महल में। पर आपके मुँह से अम्बे माँ का नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद माँ जी। वैसे अब है कौन? रानी साहब, कोई अंदर गया था। जिस बात का डर था वही हुआ। वो लड़की कहाँ है? वो तो रसोई में थी रानी साहिब, मैंने थोड़ी देर पहले वहीं पे देखा था। तुम दोनों अधिराज पर नजर रखना, उसे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। जाओ, तुम दोनों भी जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले 21 सालों में उस द्वार तक कोई नहीं पहुंच सका, फिर आज कैसे? इस हालत में कहीं वो रानी की वजह से तो नहीं है आप यहाँ? पता नहीं कितने राज छुपे हुए हैं इस महल में और मैं यहाँ आकर फंस गई। पर आपको पता है मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ। मुझे वो अड़ियल घुड़सवार, मेरा मतलब राजकुमार अधिराज ने मुझसे विवाह किया और मुझे यहाँ लेकर चला आया। अधिराज? हाँ, उसी कठोर रानी का घमंडी बेटा है अधिराज, जो मुझे जबरदस्ती यहाँ इस राजमहल में ले आया। कोई बचाइए, मदद करिए हमारी, कोई बचाओ। तुझे क्या लगा था मैं तुझे आसान मौत दूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मजा तड़पा तड़पा के मारने में है, वो मजा एक झटके में मारने में नहीं। तुम चाहती क्या हो? कुछ ज्यादा नहीं, बस तुम्हारा बेटा। नहीं, हम अपना बच्चा नहीं देंगे, नहीं देंगे अपना बच्चा, नहीं देंगे। मैंने तेरे पति को तो मार दिया, तेरे बेटे को नहीं मारूंगी मैं। जिस
सिंदूर फेंका था ना तुमने मुझ पर, तकलीफ दी थी ना मुझे। अब देख मैं तेरे महल, तेरे बेटे और तेरा पद छीन कर तुझे कैसे तकलीफ देती हूँ। मगर ये सब देखने और सुनने के लिए, तेरा जिंदा रहना भी तो जरूरी है। आपको पता है मैंने क्या नहीं किया इस महल से भागने के लिए, पर मैं सफल हो ही नहीं पा रही हूँ। आप बताइए ना, आप यहाँ क्यों रहती है? मेरा ये राज किसी के सामने नहीं आ सकता, बस मेरा ये डाकनी रूप किसी और ने ना देखा हो। जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है वो मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। कुछ तो बताइए आपके बारे में, आप कौन हैं? हमारे बारे में कुछ मत पूछो, तुम जाओ, अपना जीवन बचाओ, जाओ जाओ यहां से, जाओ जाओ। भगवान के लिए हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, जाओ इससे पहले कि वो आ जाए और तुम्हें भी हमारी बेटी की तरह अपने कब्जे में कर ले। तुम जाओ, देखो उस तरफ बाहर जाने का रास्ता है, जाओ। तो आप भी चलिए ना मेरे साथ। हम नहीं चल सकते, तुम हमारे बारे में मत सोचो, हम हाथ जोड़ते, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। समझ में नहीं आ रहा है मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी माँ जी। कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। Hey. कौन आया था यहाँ, या फिर तूने भागने की कोशिश की? हाँ, आखिर मैं तुम्हारी कृपा से उस रहस्यमय महल से बाहर निकल ही गई। हमारे बारे में कुछ मत पूछो, तुम जाओ अपना जीवन बचाओ, जाओ 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 यहाँ से, जाओ। नहीं, जिन्होंने मेरी जान बचाई उन्हें मैं मौत के मुंह में छोड़कर कैसे भाग सकती हूँ? इतना तो समझ में आ गया है, उन्हें भी उस रानी ने वहां छुपा कर रखा है। और दूसरी बात, वो भी मेरी तरह अंबे माँ की भक्त, मुझे उन्हें उस रानी के अत्याचार से बचाना होगा। जय अंबे माँ। तेरी सुरंग में एक छेद हो चुका है चंद्ररेखा, तेरी अति का अंत होने वाला है। अंत? आज मैंने तेरे विनाश को देखा है, बहुत करीब से देखा है तेरा विनाश, विनाश।
लगता है तेरा दिमागी संतुलन भी बिगड़ रहा है रानी, इसलिए तू पागलपन में कुछ भी बड़बड़ा रही है। मगर कान खोलकर सुन ले, चंद्रलेखा के विनाश के बारे में सोचने वाले का सर्वनाश कर देती है चंद्रलेखा। शायद तू भूल रही है कि 21 साल पहले मैंने तेरे साथ क्या किया था। तेरी नजरों के सामने मैंने तेरे पति को मार दिया था, तेरे बेटे और तेरे महल पर कब्जा किया था, इस पूरे महल को अदृश्य कर दिया था पूरी तरह से, तुझे रानी से गुलाम बनाकर यहाँ छिपा दिया था। इतना सब किया मैंने, कौन रोक पाया मुझे? कोई नहीं, तू भी नहीं। मेरा विलास देखा था ना तूने? चल आज मैं तुझे फिर चुनौती देती हूँ, अगर हिम्मत है तो भाग कर दिखा, भाग कर दिखा। ये मेरी हिम्मत ही है कि मैं आज तक यहाँ से भागी नहीं। और एक बात तू कान खोलकर सुन ले, जब तक मैं अपने बेटे से नहीं मिलती मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। याद आ गया, मैं यही तो बताना चाहती थी उस अटल सुबह को, उसकी मां की सच्चाई। अब मैं समझ गई, शायद इसी ने मुझ पर जादू किया होगा जिसके कारण मेरी आदर्श चली गई। और अब मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं जान चुकी हूँ ये औरत है कौन। तुझे मेरे इस रूप से डर नहीं लगता ना? ठहर जा, मैं तुझे तेरे ही बेटे का ऐसा रूप दिखाऊंगी कि तू अपनी ममता भूल जाएगी, क्योंकि वो तेरे ही सामने, तुझे नहीं मुझे माँ कहेगा। और तुझे पता है तेरा बेटा मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है, और जान ले भी सकता है तेरी। जान लेने और जान देने का खेल बहुत हो चुका, अब तेरा खेल खत्म होगा डाकिनी। नहीं, मैंने पहले भी कहा था मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दे सकती, अभी तो तुझे और भी बहुत सा दर्द सहना है। ये जानना जरूरी है कि इस द्वार को किसने खोला है, कौन हो सकता है वो, कहीं वो आफत तो नहीं। ए, यहाँ आओ। यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो? हाँ, यहाँ किसी को तुमने देखा था? सैनिक यहाँ आओ और आकर समझाओ मुझे कि ये गूंगा क्या बताना चाह रहा है। फिर से करके दिखाओ जरा इसे। क्या कह रहा है ये सफाई करने आया था, और सफाई करते करते इसका पैर द्वार के बीच में अटक गया, इससे ये द्वार खुल गया है। एक सफाई भी ढंग से नहीं होती ना तुमसे, ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो आफत यहां तो नहीं आई, तो फिर गई कहां? सैनिक इस द्वार को बंद करवा देना,
रानी नहीं, वो डाकिनी, डाकिनी है, और वो महल भी अदृश्य है। आज कोई पत्थर हो या काटा या फिर वो डाकिनी क्यों ना हो, आज मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मुझे हर हाल में अपनी नानी के पास पहुंचना है। जय अम्बे माँ। शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो। ये आप खुद से औषधि क्यों लगा रहे हैं? हमें बुला लिया होता। माँ वो हमें पता है कि आप पहले ही बहुत परेशान हैं, हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते थे। अपने बेटे को औषधि लगाने में एक माँ के हृदय को शांति मिलती है, परेशानी नहीं होती। कितने भाग्यशाली हैं अम्मा, क्या मैं आप जैसी माँ मिले। अच्छा ऐसी बात है, फिर बुलाए क्यों नहीं अपनी माँ को? गलती हो गई। वैसे हमें नहीं तो कम से कम उस दासी को ही बुला लेते। वैसे भी उस दासी ने अब तक बस मुसीबतें पैदा की, कम से कम इस वक्त तो काम आती। दंड मिलेगा उसे, अभी बुलाते हैं उसे। की सेवा की जिम्मेदारी दी थी हमने उसे, पर आपको छोड़कर पता नहीं कहाँ घूम रही है वो। नहीं माँ, हमने उसे भेजा है बगीचे में कृत कुमारी लाने के लिए, बस आती होगी। अच्छा चलिए, फिर तो बच गई वो दंड से, मगर आप नजर रखिए उस पर, बहुत चालाक लड़की है वो, न जाने कब और कौन से संकट को आमंत्रण दे दे। आराम कीजिए। जी माँ। पर हमने उस घमंडी लड़की के लिए माँ से झूठ क्यों बोला? उसे दंड मिलता तो अच्छा ही होता ना। हाँ उसे हमारी दया की जरूरत नहीं, नफरत करते हैं उस घमंडी लड़के से। देख कनक, तू अगर इस तरह चंद्रलेखा की बात मानती रहे, ना तुझे अधिराज मिलेगा और ना ही ताज। तो इसीलिए अब तुझे खुद अपने लिए लड़ना होगा।
पर माँ, उस डाकिनी सुलझना संभव है क्या? मुझे बर्बाद होने का कोई शौक नहीं। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, किसी के पैरों में गिरने से कोई आबाद नहीं होता है। अगर आबाद होना है तो अपना रास्ता तुझे खुद बनाना होगा। मतलब? देख, तू इतनी सुंदर है और तेरे सामने उस गवार की क्या औकात। तो अब बस तुझे इस सुंदरता का फायदा उठाना है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? अरे अरे, कोई से पानी तो पिलाओ। बेटा बेटा, तू ठीक तो है ना? बेटा अब आप देखना मैं कैसे उस अधिराज को अपने रूप के जाल में फंसाती हूँ और उस डाकिनी को अपने बुद्धि के बल से अपनी मुट्ठी में करती हूँ। किसे अपनी मुट्ठी में करने की योजना बना रही हो कनक? मुझे पता है कि तुम मेरी सच्चाई और इस महल के रहस्य के बारे में सब कुछ जान चुकी है। इससे पहले कि इस 21 साल के रहस्य के बारे में तू सबको जाकर बताए, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए मौन कर दूंगी।